नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों मैं धर्मिंदर शाह, LIC इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों हमेशा की तरह आपके लिए कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर जरूर आता हूँ, ताकि आपको लगे कि LIC की जो प्लान्स है वो काफ़ी बेटर है। दोस्तों ऐसा कॉन्सेप्ट शायद आपको मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। दोस्तों आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बचत योजना है। इस बचत योजना से काफ़ी रिक्वायरमेंट जो है, नीड्स है, वो पूरी हो सकती है। दोस्तों सबसे पहला जो नीड्स है वो एजुकेशन्स के लिए है। आज के समय में एजुकेशन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन के डिमांड में जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, उसके लिए आपको पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, ताकि जाके जब आपका बच्चा बड़ा हो उस समय आपको पैसे की किल्लत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ये देखते हुए मैंने एक कॉन्सेप्ट और तैयार किया है आपके लिए। दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको बचत करना है मात्र 5,000 रुपया पर मंथ। इस प्लान के अंदर आपको सेव करना है 5,000 रुपया पर मंथ। पर मंथ आपने सेविंग करना है। इसकी PPT प्रीमियम बैंक टर्म जो है 15 साल से लेकर 20 साल तक है। मैं आपको वीडियो के अंत में बहुत ही ब्रीफली समझाऊंगा। दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको 5 वर्ष के उपरांत मिलना शुरू हो जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट 5 साल से के बाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। 5 वर्ष के उपरांत आपको 30,000 रुपये का बोनस यहाँ पे मिल रहा है। फिर 10वें वर्ष 30,000 रुपये सेम अमाउंट। फिर यहाँ पे 15वें वर्ष 30,000 रुपये का एक एडिशनल अमाउंट, यानी 5वें वर्ष, 10वें वर्ष, 15वें वर्ष लगातार आपको 3 बार यहाँ पर 30-30 हज़ार रुपये का अमाउंट लगभग 90,000 रुपये का 15 साल में आपको मिल जाता है। प्लस 16वें वर्ष की बात करें तो यहाँ पे 91,875 रुपये का एक अमाउंट फिर से मिल रहा है। 17वें वर्ष 93,750, 18वें वर्ष 95,625, 19वें वर्ष 97,500, 20वें वर्ष 1,81,250, 21वें वर्ष 4,17,500, 22वें वर्ष 2,15,880, 23वें वर्ष 2,27,200 और 25वें वर्ष 5,40,000 रुपये। दोस्तों आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे कि ऐसा LIC में प्लान है ही नहीं। दोस्तों सच में ऐसा प्लान सिंगल पॉलिसी में नहीं है, पर दोस्तों जैसे हम इसको कॉन्सेप्ट को हम कॉम्बिनेशन में तैयार करते हैं तो ऐसे प्लान बन जाता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पर मैंने जो प्लान लिया है, यहाँ पे जो टेबल नंबर लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर मैंने पूरे 9 प्लान लिए हैं। मतलब 9 तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लान का टर्म मैंने लिया है। जैसे 5वें वर्ष का जो पैसा 30,000 रुपये वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। फिर 10वें वर्ष आपके अकाउंट में आएगा। 15वें वर्ष आपके अकाउंट में आएगा। 3 अमाउंट आपके अकाउंट में आएंगे। जो 16वें साल का जो अमाउंट है वहाँ पे 91,875 रुपये का जो अमाउंट है, उसके एक प्रोसीजर आपको एक LIC का बॉन्ड मिलेगा जिसमें टर्म लिखा होगा 16 साल। जो 91,875 रुपये का जो अमाउंट है, ठीक है, जो 16 साल का टर्म वाला बॉन्ड आपको LIC जिस ब्रांच से आपने LIC की पॉलिसी ली है उस ब्रांच में आपको एक ये बॉन्ड 16 साल का टर्म वाला बॉन्ड, उसके साथ एक ID प्रूफ, एक बैंक अकाउंट का डिटेल वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद ही आपके अकाउंट में 91,875 रुपये आ जाएगा। फिर यही सेम प्रोसेस है 17वें वर्ष भी यही करना। आपने 17 साल का एक टर्म वाला पॉलिसी बॉन्ड आपके पास होगा, सेम यही प्रोसेस करना है। फिर 18वें साल भी आपको एक पास एक पॉलिसी बॉन्ड और होगा, उसका भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ब्रांच में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। 19वें वर्ष भी सेम यही करना है। 20वें वर्ष भी आपको सेम करना है। ओके 20वें साल यानी मनी बैक जो प्लान है टेबल नंबर 820 का, 20 साल का टर्म होगा, 15 साल PPT है। 21वें वर्ष भी आपको सेम करना है। 21-15 का एक आपके पास पॉलिसी बॉन्ड होगा जीवन लाभ का, सेम यही करना है। फिर 22वें वर्ष भी आपको सेम वही प्रोसीजर है। 23वें वर्ष भी सेम प्रोसीजर है। 25वें वर्ष भी सेम प्रोसेस है। लगभग यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, 3 बार यानी 12 टाइम्स आपको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है, वो भी दोस्तों 5,000 रुपया पर मंथ की बचत में। ऐसा प्लान आपको कहीं मिलने वाला है क्या? कोई आपको बताएगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी है LIC में? कोई नहीं बताएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर आप LIC से पॉलिसी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे जो चैनल की जो वीडियो है वहाँ पर एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको वहाँ यहाँ पे अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट मिले। आपको जो बेटर लगे वो प्लान को आप किसी भी हमारे LIC एडवाइज़र भाई से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली समझा दिया है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिल रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 5वें वर्ष, 10वें वर्ष, 15वें वर्ष,
15 वर्ष के उपरांत 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल को छोड़कर 25 साल, लगभग 15 साल से लेकर 25 साल तक आपको कंटिन्यूस पैसा मिल रहा है। दोस्तों ये पैसा अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ड्रीम है आपका, उसको पूरा करने के लिए इस पैसे आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे फॉरेन टूर के लिए जाना हो, कुछ नई नई एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, फैमिली ट्रिप पे जाना चाहते हो, तो ऐसे इस पर्पज़ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों भी बहुत ही ब्रीफली समझाऊंगा, ये तो अभी मैंने मोटा मोटा आपको समझाया है। सबसे पहले मैं आपको और भी बताऊंगा कि इसमें रिस्क कवर कितना रहेगा, कितने साल आपने प्रीमियम पे करना है और कितने साल तक आपने 5,000 रुपये तक का प्रीमियम पे करना है, कितने का रिस्क कवर होगा और ये कब तक बेनिफिट मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं कैलकुलेशंस पे, ताकि मैं आपके डाउट को और जल्दी क्लियर कर सकूं। आइए दोस्तों, मेरे पास एक ऐप है ऑल इन वन कैलकुलेटर, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने कॉन्सेप्ट को कैसे तैयार किया। सबसे पहले आते हैं हम प्लान कॉम्बिनेशंस पे। मैंने एज लिया है पार्टी का, सपोज आपका एज 35 ईयर्स है, मैंने 35 ईयर्स लिया। अब मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली समझा दूँ। सबसे पहले मैंने जो प्लान लिया है वो टेबल नंबर 836, 843, 833 प्लस 820, ये मैंने 4 प्लान लिए हैं। ओके, अब मैं फिर से आपको बताता हूँ। ये पार्टी का एज लिया मैंने 35। जीवन लाभ का मैंने दो टर्म लिया है, 25-16 का 2 लाख का सम इंश्योर्ड है और 21-15 का 2 लाख का मिनिमम सम इंश्योर्ड मैंने लिया है। अब यहाँ पे आधार सम के मैंने 4 टर्म लिए हैं, 2, 3, 4। एक लिया है 16 साल, 75,000 का मिनिमम सम इंश्योर्ड। फिर यहाँ पे मैंने लिया है 17 साल, 75,000 का मिनिमम सम इंश्योर्ड। फिर मैंने लिया है 18 साल, 75,000 का मिनिमम सम इंश्योर्ड। फिर मैंने लिया है 19 साल, 75,000 का मिनिमम सम इंश्योर्ड। ओके, अब यहाँ पे आते हैं जीवन लक्ष्य का भी मैंने जो टर्म लिया है वो लिया है 22 साल का, 1 लाख का मिनिमम सम इंश्योर्ड। और यहाँ पे मैंने लिया है 23 साल का मिनिमम सम इंश्योर्ड। और यहाँ पे मनी बैक का जो टर्म लिया है 20-15, यहाँ पे 1.5 लाख रुपये का सम इंश्योर्ड। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 साल के एज में जो प्लान है, प्लान मैंने लिया है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। यहाँ पे 9 प्लान हो चुके हैं। ठीक है, टर्म अलग अलग है और प्रीमियम जो बनता है 5,000 रुपये के आसपास मंथली बनता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्लान डिटेल टेबल नंबर 820 का जो है 25, 20, 15 का टर्म है, 1.5 लाख का सम इंश्योर्ड है। टेबल नंबर 833 है, 22, 19 यानी 22 साल का टर्म है, 19 साल PPT है, 1 लाख का सम इंश्योर्ड है। सेम यही प्लान है, टर्म मैंने लिया 23 साल का, 20 साल प्रीमियम पे करना है, 1 लाख का सम इंश्योर्ड है। टेबल नंबर 833 के 2 प्लान है और टेबल नंबर 843 के 4 टर्म्स मैंने लिया, 16, 17, 18, 19, 75, 75, 75 का सम इंश्योर्ड है। 10 सम इंश्योर्ड की बात करें, 0 साल से लेकर 16 साल का जो 10 सम इंश्योर्ड रहेगा वो 11,75,000 रुपये रहेगा। 17वें साल रहेगा 10,32,500, 18वें साल रहेगा 9,57,500, 19वें साल रहेगा 8,82,500, 20वें वर्ष रहेगा 8,75,000, 21वें वर्ष रहेगा 6,20,000, 22वें साल रहेगा 4,20,000, 23वें वर्ष रहेगा 3,10,000 और 24वें साल रहेगा जो वो रहेगा 2 लाख रुपये। यानी जो एनुअल प्रीमियम जो बनेगा, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे 59,074 रुपये बनता है। मंथली प्रीमियम बनेगा 5,023 रुपये अकॉर्डिंग टू द एज। अगर आपका एज कम है तो थोड़ा सा प्रीमियम और भी कम हो जाएगा। यहाँ पे 2 साल से लेकर 15 साल तक जो प्रीमियम पे करना है आपने 4,915 रुपये करना है। 16वें साल पे करना है 2,902 रुपये। 17वें साल करना है 1,747 रुपये। 18वें साल पे करना है मंथली 1,476 रुपये। 19वें साल करना है 1,166 रुपये। 20वें साल करना है अपने 441 रुपये। दोस्तों आपका 15 साल के बाद जो प्रीमियम का अमाउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। मतलब 15 साल से लेके 20 साल तक का टर्म है प्रीमियम का, 15 साल के बाद आपका प्रीमियम अमाउंट कम हो जाता है और लास्ट जो प्रीमियम आपने पे करना है वो करना है 20वें साल तक। तो जैसे कि मैंने कैलकुलेशंस में आपको बताया था कि आपको 5वें वर्ष मिलेगा 30,000, 10वें वर्ष 30,000, 15वें वर्ष 30,000, 16वें वर्ष 91,875, 17वें साल 93,750, 18वें साल 95,625, 19वें साल 97,500, 20वें वर्ष 1,81,500, 21वें वर्ष 4,17,400, 22वें वर्ष
यहाँ पे 2,15,800, 23वें वर्ष 2,27,700 प्लस 25वें वर्ष यहाँ पे 5,40,000 रुपये। दोस्तों इस प्लान के अंदर टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है 9,58,816 रुपये और यहाँ पे टोटल जो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न आपको मिल रहा है वो 20,51,150 रुपये होता है। दोस्तों जो भी कैलकुलेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं दोस्तों करंट रेट ऑफ बोनस होता है उसके बिहा पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो करंट रेट बोनस के हिसाब से कैलकुलेशंस किया गया है दोस्तों, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक्यूरेट रिटर्न है क्योंकि ये बोनस के रेट के हिसाब से ही कैलकुलेट किया गया है। तो दोस्तों आई थिंक आपका जो कॉन्सेप्ट है जो आपके मन में डाउट होगा वो मेरे हिसाब से दूर हो चुका होगा। दोस्तों फिर भी किसी चीज़ का आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको इससे बेटर कॉन्सेप्ट आपको आने वाले समय में मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितने भी LIC ग्रुप हैं, चाहे फेसबुक हो, सोशल मीडिया पे, ताकि और भी जो हमारे LIC के कस्टमर्स हैं जो पॉलिसी लेना चाहते हैं उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।